राजस्थान कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से बवाल सामने आने लगा है और पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। दरअसल राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेताओं की नियुक्ति देने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई है। और ये बता दें कि विधानसभा चुनाव में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 100 से ज़्यादा लोगों को राजस्थान कांग्रेस में पदाधिकारी बनाया था। ये जानकारी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से पार्टी नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नियुक्ति देने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं को नियुक्ति दी गई है उनके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई है। डोटासरा के इस बयान के बाद पार्टी के अंदरूनी खाने में खींचतान शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार के दिन पीसीसी की बैठक के बाद जो बातचीत मीडिया से की, उन्होंने उसमें नियुक्तियों को मानने से इनकार करते हुए पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद ही निर्णय लेने की बात कही। वो यहाँ नहीं रुके और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो नियुक्तियाँ हुई है उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के साथ भीतरघात किया है, लेकिन नेताओं की सिफारिश पर पीसीसी में पदाधिकारी वे बन गए हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से वो चर्चा के बाद इन पदाधिकारियों के पद को लेकर फैसला लेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बागी नेताओं और असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए विधानसभा प्रत्याशियों और पार्टी नेताओं की सिफारिश से 100 से ज़्यादा नेताओं को पीसीसी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और प्रवक्ता बनाया गया था। कई को नियुक्ति देकर बागी उम्मीदवार बनने से रोका गया था। अब जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है।